गाइज वेलकम टू द चैनल। आज है हमारे साथ TVS की स्पोर्ट। इस वीडियो में आपको ये गाड़ी को दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी का आप रेड कलर देख रहे हो, जो कि इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ये आप देख सकते हो, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की लुक्स। ये आप देख सकते हो, इसमें ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इस गाड़ी में क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इस गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें कौन सा इंजन मिलता है, ये गाड़ी कितनी पावर जनरेट करती है, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूं। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है इस गाड़ी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस गाड़ी को आप चारों तरफ से देख लो, इस गाड़ी की कैसी लुक्स आपको मिल जाती है। ये आप देख सकते हो, इस गाड़ी का डिज़ाइन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी में फ्रंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो फ्रंट से कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर भाई इस गाड़ी में आपको ये वाइज़र मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का है, और इसी में आपको रेड कलर भी मिल जाता है। तो ये आपको डुअल टोन इसमें वाइज़र मिलता है। यहाँ पर इसमें ये TVS का स्टिकर मिल जाता है, और ये जो इसका वाइज़र है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ऐसे इसमें आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और फ्रंट में इसमें हैलोजन हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, LED वगैरह नहीं मिलते इसमें। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलता है, मडगार्ड कुछ ऐसा मिलता है, जो कि आपको अगेन ब्लैक एंड रेड फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये पूरा ग्लॉसी मिलता है इसमें रेड कलर का। और फ्रंट में आपको इसमें कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि 17 इंच के हैं, और ये ब्लैक अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको TVS के टायर्स मिलते हैं, TVS की गाड़ी है और इसमें आपको TVS के ही टायर्स मिलते हैं। और ये 5-spoke अलॉय व्हील्स इसमें मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है इसमें। अब आते हैं इस गाड़ी की साइड में। तो साइड से कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसमें आपको कुछ ऐसा फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि काफ़ी ऐसा सिंपल सा प्लेन सा है। इसमें आपको TVS का 3D बैजिंग मिलती है, ये आप देख सकते हो, TVS की बैजिंग मिलती है इसमें। यहाँ पर ये फ्यूल एड मिलती है, और इसमें ड्यूरालाइफ का स्टिकर आपको मिलता है टैंक में। और यहाँ पर इसमें ECO Thrust FI का स्टिकर मिल जाता है। तो यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा पूरा ऑल ब्लैक इंजन आपको मिल जाता है। ये इसका एग्जॉस्ट पाइप, यहाँ पर ब्रेक्स मिलते हैं, इसमें आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। और याला पार्ट इसमें आपको पूरा ब्लैक मिलेगा प्लास्टिक का, और याले पार्ट में आपको ये पूरा रेड मिलेगा पार्ट। यहाँ पर स्पोर्ट का आपको स्टिकर मिल जाएगा इसमें, और बढ़िया लग रहा है ये। इसमें आप कुछ ऐसी सीट मिलती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग है और ठीक ठाक है, वाइड भी है। और ये आपको इसमें डुअल फिनिश में मिलती है। यहाँ पर ये ग्रे टाइप का आपको टेक्सचर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ब्लैक मिलेगा। इसमें व्हाइट कलर की आपको स्टिचिंग मिल जाएगी, जो कि बढ़िया लग रही है देखने में। और ये आप कुशनिंग देख सकते हो इस गाड़ी की सीट की, और अच्छी खासी कंफर्टेबल है ये। यहाँ पर आपको ये फुट स्टेप मिलते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर रियर में नॉर्मल सस्पेंशन मिलते हैं ब्लैक कलर के। इसमें कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलता है, जिसमें आपको क्रोम की प्लेट मिल जाती है ऊपर, और काफ़ी बड़े साइज़ का एग्जॉस्ट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। और रियर में इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और रियर के अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो। और अब आते हैं भाई इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो ये आप देख सकते हो, इस गाड़ी की पीछे से लुक्स कुछ ऐसी हैं। यहाँ पर इसमें सबसे ऊपर कुछ ऐसा ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि सिल्वर कलर का है। और यहाँ पर इसमें आपको TVS का स्टिकर मिलता है ऊपर। और रियर में इसमें आपको नॉर्मल हैलोजन टेल लैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी बेसिक्स हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और काफ़ी बेसिक सा सिस्टम है इसका पीछे का। और यहाँ पर आपको एक गार्ड मिलता है इसमें, और यहाँ पर आपको इसमें स्पोर्ट का स्टिकर मिल जाता है इस साइड भी। यहाँ पर भी ETFI का स्टिकर मिलता है। इसमें आपको 4-speed का गेयर बॉक्स मिलता है। और अब आते हैं इसके टैंक में। तो इसका टैंक कुछ ऐसा लगता है ऊपर से, ये आप देख सकते हो, काफ़ी छोटा सा टैंक है इस गाड़ी का। इसमें कुछ ऐसा हैंडल बार मिलता है, हैंडल इसमें आपको पूरा मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, यहाँ पर क्लच मिलता है, यहाँ पर इसमें आपको ये पास का स्विच मिलता है, और यहाँ पर आपको ये लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर के, यहाँ पर हॉर्न के। इसका हॉर्न मैं आपको सुना के बताता हूँ, ये आप सुन सकते हो, इस गाड़ी का हॉर्न कुछ ऐसा मिलता है। और इस साइड में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इग्निशन का स्विच मिलता है, इसमें सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। और ये है इस गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो कि इसमें आपको फुल एनालॉग मिलता है। और कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका, यहाँ पर इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें 140 तक आपको मार्किंग मिल जाती है। इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर TVS का आपको बैजिंग मिल जाएगी अंदर, यहाँ पर फ्यूल गेज मिलेगा, यहाँ पर पावर मोड मिलता है इसमें, मतलब कि पावर के लिए कोई ऐसा बटन नहीं मिलता मोड के लिए। जैसे ही आप तेज एक्सेलरेशन करोगे तो ये पावर मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर इंजन का आपको लाइट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको नीचे और साइंस मिलते हैं इसमें। साइड स्टैंड का भी इसमें आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर इंडिकेटर, लाइट और न्यूट्रल का साइन मिलता है।
काफी बेसिक सा इसका स्पीडोमीटर है। और इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसी की मिलती है आपको, ये आप देख सकते हो काफी बेसिक सी की है इस गाड़ी की। बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 110 सीसी का इंजन मिलता है। ये जो इंजन है ये 8.29 पीएस की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी में आपको 70 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। और इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस गाड़ी में आपको 175 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है 112 केजी। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 90 केएमपीएच की। बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में, तो इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है टीवीएस स्पोर्ट की ये है 75,000। और गाइस आपकी स्क्रीन में हमारा एक नया चैनल मोटो मिकी इसका नाम आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बस यही था इस वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।